पहले हिमाचल प्रदेश जीते और उसके बाद कर्नाटक जीते, हिमालय से लेकर अब समुद्र तक कांग्रेस ने सफलता हासिल की है। और जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार, उनको यह एहसास हो गया था कि कर्नाटक में हारने वाले हैं, और यही कारण है कि मोदी जी की जगह सारे टेलीविजन में नड्डा जी की फोटो लगने लग गया। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग फिर मोदी की जगह योगी योगी करने लगे, बुलडोजर की बात करने लगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पहले हमारे अरुण साव जी को पता चल गया था, तभी बोले कि हम यहाँ उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ भी बुलडोजर चलाएंगे। तो उनको पता है कि अब मोदी जी का जादू समाप्त हो गया है, तभी अरुण साव जी लगातार योगी योगी करने लगे थे, बुलडोजर की बात करने लगे थे। तो आज जो सफलता मिली उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, पूर्व अध्यक्ष सोनिया जी, पूर्व अध्यक्ष राहुल जी, प्रियंका जी, सबको बधाई। साथ ही जो स्टेट लीडरशिप है उनको भी बधाई, और वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी बहुत बधाई कि ऐसे समय में जब धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, कर्नाटक की जनता ने फैसला दिया है, और उस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि बजरंग बली है वो कांग्रेस के साथ है। मैं उस यात्रा में था और कर्नाटक में था, बिलारी सभा में था, उसी समय से लग गया था राहुल जी के साथ पद यात्रा वगैरह करते। लोगों का जो झुकाव है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ है, और भारतीय जनता पार्टी से उनका मोह भंग हो चुका है। सर, एक सशक्त राजनीतिक राज के रूप में उभरे हैं आप, तो घोषणा पत्र को कितना मानते हैं, कि घोषणा पत्र का कितना प्रभाव पड़ा है? दूसरा, उसमें ओपीएस जो लागू वहाँ पे भी करने की बात कांग्रेस ने कही है, इसका कितना प्रभाव पड़ा? देखिए, जो रणनीति है एक हिस्सा है, घोषणा पत्र दूसरा हिस्सा है, कार्यकर्ताओं की जो ताकत है उसके मनोबल है वो तीसरा हिस्सा है। तो ये तीन चार एक साथ करेंगे सभी को तो फिर वो सफलता मिलती है। देखिए, एक उपचुनाव जो होता है और उसके रिजल्ट से पूरे देश के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता गिरता है। ये तो एक बहुत बड़ा राज्य है जहाँ 224 विधानसभा है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसको हम लोग छीने। उसके पहले हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, उसको हम लोग छीने। तो निश्चित रूप से इसे कार्यकर्ताओं के मनोबल में वृद्धि होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जो हम मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं उसे जनता अपना रही है। सर, जो 40% कमीशन की बात आप लोगों ने की, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बना कर्नाटक के भीतर में, राहुल गांधी जी कह रहे थे इसी बात को, आप लोगों ने भी बहुत जोर देकर किया, तो क्या जनता ने इस मुद्दे पर भी वोट किया है और कांग्रेस के साथ? वो एनालिसिस वाले करेंगे निश्चित रूप से, लेकिन वो बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने बनाया था। एक तो महंगाई है, बेरोजगारी है, और 40% कमीशन, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उस बात को लेकर आत्महत्या कर रहे हैं, उसके विधायक यहाँ 6-6 करोड़ रुपया मिल रहा है। तो ये भ्रष्टाचार तो अपने आप में बड़ा मुद्दा था।